तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलती रही है। देखने जी न्यूज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारतीय साक्षरता अधिनियम 15 मार्च 1872 में जो लागू हुआ था उसका अध्याय वन की पहली धारा, धारा एक में क्या है, संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और प्रारंभ है। यह अधिनियम भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 कहा जाता है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है, मगर 370 हटने के बाद वहाँ भी लागू हो गया और यह किसी भी न्यायालय में या के समक्ष कि जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट 44 तथा 45 विक्टो और 58 नेवल्स डिसिप्लिन एक्ट 29 तथा 30 विक्टो और 109 या इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 का एयरफोर्स एक्ट 7, 5 और 51 के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों के विभिन्न न्यायालय आते हैं। समस्त न्यायिक कार्रवाई को लागू है, किंतु ना तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को और ना ही किसी मध्यस्थ के समय की कार्रवाई को लागू होता है। और यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रविष्ट किया गया था। अब बढ़ते हैं हमारी धारा 2 अधिनियमों का निरसरण, अध्याय 2 में क्या है। निरसरण है अधिनियम 1938 धारा 1 का 1 की धारा 2 में अनुसूचित किया गया है, निरसरण किया गया है। धारा 3 में क्या है, निर्वाचन खंड है। इस अधिनियम के निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों का प्रयोग किया गया है, जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। जैसे न्यायालय, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और मध्यस्थलों और के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती है ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम हुआ हो, दूसरा कोई मानसिक दशा जिसका मान किसी व्यक्ति को हो। दृष्टांत क्या है, यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है। उसके बाद यह किसी मनुष्य में अमुक शब्द कहें या तथ्य है। अगला क्या है, यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता हो, अमुक आशय रखता है, श्रद्धापूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता या किसी विशिष्ट शब्द को भाव में प्रयोग करता है या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का मान है, यह किसी निर्दिष्ट समय का एक तथ्य है। यह किया कि एक मनुष्य की अमुक ख्वाहिश है या तथ्य है। सुसंगत क्या होता है, सुसंगत आपको शब्द बहुत आएगा, तो उसका मन उसका देख लीजिए। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में किसी प्रकार से वह तथ्य एक दूसरे तथ्य से संयुक्त हो। विद्याधक तथ्य से विपरीत है कि उसके अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के ससंग के किसी ऐसे अधिकार द्वायित्व या नियोगता में के निष्का किसी वाद या कार्रवाई के प्रख्यान या प्रत्याख्यान किसी किया गया हो, अस्तित्व अनस्तित्व प्राकृतिक या विस्तार की उत्पत्ति का अवश्य में होती है। स्पष्टीकरण, जब कभी कोई न्यायालय विधायक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्सम प्रवृत्ति विधि के प्रबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विद्याधक के उत्तर में जिस प्रकार का प्रयाण या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विद्याधक तत्व होते हैं। दृष्टांत देख लीजिए, ख की हत्या क अभियुक्त है, उसके विचार में निम्नलिखित तथ्य विवाद हो सकते हैं। यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की है, यह कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था, यह कि क को ख के गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, यह कि ख की मृत्यु कारित करने को कार्य करते समय क चिंता विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। दस्तावेज भी आएगा, दस्तावेज ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ या अक्षर अंकु या चिन्हों के साधन द्वारा या उसमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय में अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशित हो या उपयोग किया जा सकता है। दृष्टांत क्या होगा, लेख दस्तावेज है और मुद्रित शिला मुद्रित या फोटो चित्र सब दस्तावेज है, मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है, धातुपट या शिला पर उत्कीर्ण है, टपहासंक दस्तावेज है, ये सब दस्तावेज में आते हैं। साक्ष्य क्या है, साक्ष्य शब्द से विपरीत है कि इसके अंतर्गत आते हैं।
वे सभी कथन जिसमें जिसने जांचाधीन तथ्यों के विषय से संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या उपेक्षित करता है। दूसरा क्या है, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं, ऐसे दस्तावेजों दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। साबित कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व या उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभाग्य प्रज्ञवान व्यक्ति को इस अनुमान पर खार करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है, ना साबित कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो उस विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव समझे कि वह विशिष्ट मामलों में परिस्थितियों किसी प्रज्ञवान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है साबित नहीं हुआ। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित। भारत, भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा भारत का राज क्षेत्र अविकसित है। अब 2019 के बाद जब से 370 हट गया है उसके बाद से यह बदल गया, जैसे पद प्रमाणकर्ता अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सूचना सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और उपयोगकर्ता के वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आता है। फिर हमारी धारा 4 क्या है, उपधारा कर सकेगा। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह वंदित है कि न्यायालय किसी भी तथ्य की उपधारा कर सकेगा, वह न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ माना सकेगा कि वह और जब तक वह न साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। उपधारा कर क्या होती है, जब जहाँ कहीं कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारा करेगा, वह न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह न साबित नहीं किया जा सकता है। निश्चयात्मक सबूत, जबकि यह अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी उन तथ्य का निश्चयात्मक सबूत घोषित किया जाता है जब न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य को साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे न साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। तो ये हमारे अध्याय 1 था, 1 से 4 तक इसमें धाराएं हैं। फिर हम अगला पढ़ेंगे अध्याय 2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।